फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सविता और आप देख रहे हैं सविताज क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल। आज ना दोस्तों, एक गोल टाइप का टोपियारी बनाऊंगी, वो भी डिस्टिडिया प्लांट से। ये देखिए, ये है डिस्टिडिया प्लांट्स। कटिंग से मैंने ग्रो किया था बहुत दिन पहले और इधर उधर ये ऐसे ग्रोथ कर रहा है, तो इसको मैं आज सोच रही हूँ कि इसको एक टोपियारी बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, एक वायर चाहिए या पाइप चाहिए, जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। मेरे पास देखिए दोस्तों, ये एक है मेरे पास, ये बहुत साल पहले ग्रम्फेना से एक रीत बनाई थी, देखिए, और ये पूरा सूख गया था। सूखने के बाद भी बहुत सुंदर दिख रहा था, इसीलिए मैंने रखा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसमें एक टोपियारी बनाऊं। इसमें ऑलरेडी मॉस लगा है, इसमें कुछ लपेटने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो रस्सी लपेट सकते हैं। इसको अभी मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें मिट्टी डाल देंगे। ये डिस्टिडिया प्लांट्स दोस्तों आसानी से कटिंग से लग जाता है, इतना छोटा छोटा कटिंग्स भी लग जाता है और अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। देखिए डिस्टिडिया प्लांट्स के लिए दोस्तों, आप भुरभुरी मिट्टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा रेत मिला लीजिए। ना भी ये स्टेम है देखिए दोस्तों, इसको इसके ऊपर हम लपेटेंगे। देखिए ये नीचे ग्रो कर रहा था, तो देखिए रूट भी निकल गया है। इतना आसान ये प्लांट्स को ग्रो करना। मनी प्लांट्स को जैसे मॉस्टिक्स से चढ़ाते हैं, वो कितने अच्छे से ग्रोथ करता है, ऐसे ही ये भी जब इसका जो नोड एरिया में रूट सब निकलेगा, इसमें लगेगा, और लगाने के बाद ये एक बार लगने के बाद ये पूरा तेजी से ग्रोथ करता है। ये डिस्टिडिया प्लांट्स दोस्तों बहुत वैरायटी में आता है, लेकिन मेरे पास एक ही वैरायटी है, मैं ज़्यादा वैरायटी मेरे पास नहीं है। नर्सरी में बहुत सारे वैरायटी इसका मिल जाता है। देखिए दोस्तों रेडी हो गया। आप इसको हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। ये डिस्टिडिया प्लांट्स दोस्तों बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, आप जो भी शेप देंगे ये आसानी से ग्रो करता है और बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये जब पूरा ग्रो कर जाएगा और भी सुंदर लगेगा। दोस्तों हमारा टोपियारी रेडी हो गया। अगर आपके पास ऐसे डिस्टिडिया प्लांट्स है तो ऐसे सब टोपियारी आप बना सकते हैं।
बहुत आसान है, इसको आप ज़रूर बनाए और गार्डन को सुंदर बनाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें। बाय।